हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग चार स्टेट मतलब चार राज्यों तथा एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अभी अभी इलेक्शन हुआ है और उसका रिजल्ट आया है। ठीक है, इसमें हम तीन चार चीज़ें देखेंगे, जैसे कि इन स्टेट्स या केंद्र शासित प्रदेश के जो कैपिटल है, राजधानी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा कि इसमें यहाँ पे कौन कौन से गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो नए सीएम या जो पुराने सीएम हैं थे, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 164 का चौथा भाग। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई जो सीएम बन रहा है उसको, जैसे कि या तो वो विधानसभा का या विधान परिषद का, मतलब इन दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो 6 महीने का उनको टाइम मिलता है, उसके अंदर में उनको वो सदस्यता लेनी पड़ती है। ठीक है, वही ये आर्टिकल है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो टोटल 5 राज्य हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक केंद्र शासित उसमें प्रदेश है। तो सबसे पहली शुरुआत हम बंगाल से करेंगे, पश्चिम बंगाल, जिसके बारे में अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी चर्चाएँ हुई थी। ठीक है, तो आइए इसके बारे में आगे की स्लाइड्स में पढ़ते हैं। तो पहले पॉइंट में हमने लिया है पश्चिम बंगाल को। ठीक है, तो देखिए कैपिटल तो मैक्सिमम लोगों को पता है, कोलकाता है। पुरानी और नई जो सीएम है वो ममता बनर्जी हैं। ठीक है, ये तो अभी हाईलाइटेड है, न्यूज़ में भी चल रहा है। पुरानी का मतलब ये है कि ये पहले पिछले 10 साल से सीएम थी, अगले 5 साल के लिए फिर हो गई हैं। ठीक है, देखिए वहाँ के जो गवर्नर है मतलब राज्यपाल, वो जगदीप धनकर हैं। ठीक है, अब देखिए हम आ जाते हैं सीटों पर। देखिए टोटल 292 सीटें थी कलकत्ता में, ठीक है, विधानसभा की, जिसमें से टीएमसी ने 213 सीटें जीती, एनडीए मतलब बीजेपी और एक और पार्टी थी वो मिलके 77 सीटें लेके आई हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट एक कैंडिडेट जीता है और आरएसएमपी एक वहाँ की पार्टी है वो एक सीट जीती है। कांग्रेस और लेफ्ट मिलके लड़े थे लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम आते हैं इस पॉइंट पे। मैंने ये दो चीज़ें यहाँ क्यों लिखी हैं, नंदीग्राम और शुभेंदु अधिकारी, मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता होंगी। देखिए नंदीग्राम से ममता बनर्जी इलेक्शन लड़ी थी विधानसभा का, लेकिन यहाँ पे ये हार गई। किससे? शुभेंदु अधिकारी से यहाँ पे ये हार गई। अब देखिए बहुत लोगों का ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जब कोई कैंडिडेट हार जाता है तो वो सीएम कैसे बनता है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 164 का चौथा भाग हमें ये बताता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो वो कोई भी पद तभी धारण कर सकता है जब वो 6 महीने के अंदर इन दोनों में से किसी एक का सदस्य बन जाए। ठीक है, एमएलए या एमएलसी। ठीक है, अब देखिए विधानसभा वैसे ही है जैसे लोकसभा है, विधान परिषद वैसे ही है जैसे राज्यसभा है। यहाँ पे वोटिंग के द्वारा लोग सेलेक्ट होते हैं और यहाँ पे इलेक्शन लड़के होते हैं। ठीक है, तो इसके तहत ममता बनर्जी यहाँ की सीएम तो वो शपथ ले चुकी हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर इनको सदस्यता लेनी होगी इन दोनों में से किसी एक की। ठीक है, या तो इलेक्शन लड़के वो जीतें और या तो फिर यहाँ पे आ जाए विधान परिषद में। ठीक है, यहाँ पे एक और न्यूज़ ये है कि शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने विपक्ष का नेता घोषित किया है। ठीक है, जैसे कि एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है, पक्ष में वो लोग रहते हैं जो जीत के आए होते हैं, विपक्ष में वो होते हैं जो हारी हुई पार्टी रहती है लेकिन बड़ी पार्टी रहती है। ठीक है, तो उनका एक नेता सेलेक्ट किया जाता है, उसमें शुभेंदु अधिकारी को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा राज्य हमारा है तमिलनाडु। ठीक है, देखिए तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, बहुत लोगों को मालूम होगा। इसके जो पुराने सीएम हैं, ठीक है, जो अभी हारे हैं, ठीक है, वो ई के पलानी स्वामी हैं। ठीक है, जो AIADMK के थे, अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। नए सीएम जो हमारे हैं एम के स्टर्लिन हैं, और जो हमारे गवर्नर हैं वहाँ के राज्यपाल, वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। ठीक है, सीटों पर आ जाते हैं हम। टोटल सीट 234 थी वहाँ पर। ठीक है, जिसको जिसमें डीएमके ने 159 सीटें जीती हैं, और डीएमके जो है वो कांग्रेस के साथ लड़ी थी वहाँ पे। ठीक है, तमिलनाडु में, और एआईएडीएमके जो जयललिता की पार्टी है, आपको मालूम होगा जयललिता
छह बार मुख्यमंत्री थे जो एक्सपायर कर गई थी, उसके बाद ही जो पलानी स्वामी है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और ये बीजेपी के साथ लड़ी थी लेकिन सिर्फ 75 सीटें वहाँ पे जीत सकी। ठीक है, तो डीएमके की सरकार वहाँ बन गई और जिसके नेता थे एमके स्टर्लिन। ठीक है, ये जो एमके स्टर्लिन है इनका पूरा नाम है मुथुवेल करुणानिधि स्टर्लिन। ठीक है, ये सन ऑफ फॉर्मर सीएम एम करुणानिधि। ठीक है, जो एम करुणानिधि थे जो इससे मतलब पहले सीएम रह चुके थे उनके ये लड़के हैं। ठीक है, और जो एम के स्टर्लिन है वो कोलाथूर से लगातार तीसरी बार ठीक है एमएलए चुने गए हैं। तो आइए तीसरे राज्य के बारे में देख लेते हैं। तीसरा राज्य हमारा है असम। ठीक है, इसका कैपिटल है दिसपुर और इसके जो पुराने सीएम थे वो सर्बानंदा सोनोवाल थे जो बीजेपी से ही थे। ठीक है, केंद्रीय मंत्री थे, इनको बना दिया गया था असम का मुख्यमंत्री। अब जो नए सीएम हमारे हैं वो हिमंता बिस्वा शर्मा है जो बीजेपी से ही हैं, यहाँ के नए सीएम बने हैं। ठीक है, ये भी बीजेपी से ही हैं। असम के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं और जो हिमंता बिस्वा शर्मा है जो नए सीएम बने हैं वो जालुक बारी से पांचवी बार एमएलए सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, पांचवी बार वहां से ये इलेक्शन जीते हैं। अब देखिए असम में जो टोटल सीट है वो 126 सीटें हैं जिसमें से एनडीए ने 75 सीटें जीती हैं। अब देखिए एनडीए में कौन कौन से वहां दल हैं। बीजेपी है जो 60 सीटें जीती, एजेपी है जो 9 सीटें जीती और यूपीपीएल है जो 6 सीटें जीती। ठीक है, वहां पे दूसरा जो गठबंधन है वो महाजोत है। ठीक है, जिसमें कांग्रेस मेन है, इसमें इन्होंने महाजोत ने 50 सीटें टोटल जीती हैं जिसमें से कांग्रेस 29 सीटें जीती, एआईयूडीएफ ने 16 सीटें जीती, बीपीएफ ने 4 सीटें जीती और सीपीआई ने 1 सीट जीती। एक बंदा कोई इंडिपेंडेंस था वो जीत गया 1 सीट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चौथा राज्य हमारा केरल है। ठीक है, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसके पुराने और नए जो सीएम है वो सेम है क्योंकि यही पार्टी दूसरी बार जीत के आई है। इसके सीएम है पिनाराई विजयन। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, अब देखिए ये जो विजयन जी जीत के आया है वो किस सीट से जीत के आया है, तो वो है धर्मादम, धर्मादम सीट से ये जीत के आया है। अब ये थोड़ा सीट की बात कर ली जाए, देखिए टोटल जो सीट है विधानसभा की यहाँ पे 140 सीटें हैं जिसमें एलडीएफ ने 99 सीट जीती हैं। देखिए एलडीएफ जो है एक फ्रंट है, ठीक है, दो तीन पार्टियों की जिसमें सबसे मेन जो पार्टी है वो सीपीएम है। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। इसमें सबसे मेन पार्टी जो सीपीएम है और उसी के ये नेता हैं, ये हो गए चाहे यहाँ के जो सीपीएम के महासचिव हैं सीताराम येचुरी, ये हो गए। फिर दूसरी वहां पे जो गठबंधन था वो यूडीएफ था जो 41 सीटें जीती है और तीसरे में एनडीए था जो सीट नहीं जीत पाई कोई भी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिए हैं। एलडीएफ का लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है और यूडीएफ का यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है और एनडीए का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। ठीक है, अब देखिए सीपीएम, सीपीएम क्या है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, केरल की इस समय तो सबसे मेन पार्टी है ये और केरल में एक्चुअली इन्होंने एक हिस्ट्री भी क्रिएट किया है। केरल का इतिहास ये रहा है कि यहाँ कभी भी कोई भी पार्टी एक बार से ज़्यादा जीत नहीं सकती है। ठीक है, लेकिन ये लोग दूसरी बार यहाँ पे जीत के सरकार बनाई है जिसके सीएम पिनाराई विजयन है। ठीक है, चलिए आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा पांचवा पॉइंट है पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए इसके जो पुराने सीएम थे वो वी नारायण स्वामी थे जो कांग्रेस पार्टी से थे और जो हमारे नए सीएम हैं वो एन रंगा स्वामी हैं जो एआईएनआरसी पार्टी से हैं। ठीक है, जो बीजेपी के साथ अलायंस में है और पुदुचेरी का जो एलजी है। ठीक है, देखिए पुदुचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है तो राज्यों में रहते हैं राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें एलजी रहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तमिलीसाई सुंदर राजन।
देखिए पुदुचेरी का जो कैपिटल है वो पुदुचेरी ही है, ठीक है, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने यहाँ पे क्यों लिखा नहीं है। अब आइए इसकी विधानसभा सीट की बात कर ली जाती है। इसमें टोटल सीट जो है वो 30 सीट थी, ठीक है, जिसमें एनडीए ने 16 सीटें जीती। अब एनडीए में देखिए क्या है, कौन कौन सी पार्टी हैं, AINRC जो 10 सीटें जीती हैं, इसी पार्टी का जो नया सीएम है वो इसी पार्टी से है, ठीक है। दूसरी पार्टी इसमें बीजेपी है जो 6 सीट जीती है। तीसरी पार्टी इसमें AIADMK है जो कोई भी सीट जीतने में सक्सेस नहीं हो पाई है, ठीक है। दूसरा अलायंस इसमें है यूपीए का, और यूपीए ने 8 सीटें जीती है इसमें, जिसमें डीएमके जो है वो 6 सीट जीती है और कांग्रेस 2 सीट जीती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो लोग खड़े हुए थे वो 6 सीटें उन्होंने जीती हैं, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या है ये। अब देखिए जो एन रंगास्वामी जो इस सीएम बने हैं वो किस सीट से जीत के वहां सीएम बने हैं, तो वो सीट है थातन चाविदी, ठीक है, इस सीट से ये जीते हैं। बहुत अजीब नाम है, इसको थोड़ा सा बस आप देख लीजिएगा। तो ये 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जो अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं उसके रिजल्ट्स थे, जिसमें नए सीएम, पुराने सीएम और जो वहाँ के गवर्नर होते हैं उसके बारे में मैंने, ये मेन उसी पे वीडियो है, फिर मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए कि कौन कौन सी पार्टी वहाँ कितनी सीटें जीती हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी नॉलेज रखना ज़रूरी रहता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मैं नए लेटेस्ट वीडियोज़ डालूँ उसके अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू।